दोस्तों वेरी वेरी वेलकम हो गया है अपन के एक और नए पार्ट ऑफ सर्वाइवल सीरीज। एंड दोस्तों ये वाला पार्ट रियली ऑसम होने वाला है। एंड मैं थोड़ा सा वर्ल्ड का टूर करूंगा कि हमने और क्या क्या चीज बनाई है, वो कैसा चल रहा है। देखो ये तो लाइव के अंदर जिन लोगों ने देख लिया वो तो बढ़िया बात है, लेकिन मैंने ये सोचा कि पर्टिकुलर वीडियो नहीं बन पाई थी इसकी, तो मैं अब दिखा देता हूँ कि ये देखो पहला तो हमने यहाँ पे लगाया एमथेस्ट शार्ड, जो हमारे लिए राइट साइड में एक जगह थी वहां पे मिला। एंड जब तक ये पता नहीं क्या काम कर रहा है, ये बकरी मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे ये मेरे पास तीर भी खत्म हो गए यार, मेरे तीर। अबे मैं तेरे को मार भी तो नहीं बार, रुक जा। अबे मेरे को एक तीर दे दो बस, गिव मी अ तीर, थैंक यू। चलो तीर तो मिल गया। यहाँ पे जंप बूस्ट मिला है अपन को, बीकन तो वैसे लगा ही दिया था। एंड यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते जाते देखो ये क्या ही इसने आलीशान बनाया है, ऐसे लग रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा ही है एकदम। एंड यहाँ से जो है अब हमने एक और जगह बनाई है, वो अभी दिखाता हूँ। अबे ये तो आयुष जॉइंट द किन, क्या सीन है ये। चलो कोई नहीं, होगा होगा, पहले दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हमारा सामान वामन रखा हुआ है। यहाँ पहला तो ये जो हमारा डोम बनाया हमने, एक डोम टाइप का है ये। एंड यहाँ पे अभी हमने जब बनाया था सामान वगैरह, तो यहाँ पे हमारी वुड पड़ी हुई है, वुड वगैरह बुक्स जो हमारे मतलब नीचे एन्चेंटिंग रूम था ना, तो हमने तोड़वा दिया नीचे वाला तोड़वा कर। एंड अपन का अब एन्चेंटिंग रूम ये वाला कर दिया हमने। एंड यहाँ पे अबे ये क्या सीन है, मतलब इसने एक क्या, मतलब ये क्या हुआ है, ये क्या बदतमीजी है। मतलब यहाँ से हमारा नीचे देखो, यहाँ पर हमने ना दो स्पेस छोड़ कर रखे थे, एक मेरा नेदरराइट का आर्मर रखा था भाई यहाँ पर, एंड एक रखा था डायनामो का, और वो भी अबे ये क्या रख के छोड़ के आगे पे आ गया। तो शर्मा जी का यहाँ पर रखा था एंड मेरा यहाँ पर रखा था, एंड ये पता नहीं क्या कह रहा है, वीसी ले लो वीसी ले लो, अभी ये समझ नहीं आ रही हमारे लिए। मैं कहता हूँ रुक जा, वीसी छोड़ो, वीसी क्या तेल लेने, पहले से कहते हैं तू ने मेरा आर्मर क्यों चुराया। क्या मतलब अब, और है कहाँ ये बंदा, ये यहाँ से भक्के किधर चला गया। हेलो ओम, अबे इसने मेरा, अबे यार मेरा भी आर्मर चुरा लिया इसने, तेरा भी चुरा लिया, मैंने डायनामो सर का लिया है। अबे तुम मेरा आर्मर कहाँ गया, मेरा कहाँ है फिर। अबे पता नहीं इसने तेरा भी उठा लिया, यानी अबे ऐसा तो नहीं है मतलब मेरा भी आर्मर चुरा लिया और ये मना कर रहा है कि मतलब मेरा है ही नहीं इस पे, ये कहना चाह रहा है। ये बता किसका आर्मर तूने पहना है, ये क्या लिख रहा है, मेरे को क्या पता भाई, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, सारा काम करके क्या कर रहा है ये। चल तेरा भाई, मेरा आर्मर कहाँ गया, यानी तो रुक जा, मैं इससे कहता हूँ वीसीआर, तो चलो अभी इसको बुलाते हैं वीसी पे दोस्तों, फिर देखते हैं, फिर इससे बात करके देखते हैं कि ये कहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों मैं और डीएनए डायनेमो हम दोनों बात करके आ चुके हैं इससे आयुष से कि है ना भाई तूने हमारा आर्मर क्यों चुराया, उसने मना कर दिया यार, मतलब कहाँ गया हमारा आर्मर, हमको कुछ नहीं मालूम। तो अभी मिला, हेलो हेलो शर्मा, रुक जा आवाज़ आ रही है, अच्छा सही है। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये इधर आ तू, पहले इधर आ, जहाँ पर अपने हमने ये बना के रखा है एन्चेंटिंग रूम बना के रखी, यहाँ पे आ जा तू पहले, ठीक है। फटाफट, बहुत देर हो गई, अब दिमाग सड़क चुका है मेरा, नेदरराइट का आर्मर चोरी किया गया पता नहीं। इधर आ, देख इधर आ, तेरे को देख,
यहाँ से अपन लोगों ने, तेरे को पक्की बात मालूम है ना कि तेरे पास था और मेरे पास भी था, और ये देख यहाँ पर तूने उठाकर यहाँ पे रखा था है तेरा, तो अभी अभी वो आयुष पहन के तेरा था, अभी उसने दे दिया है तेरा, उसके पास सिर्फ तेरा ही था आर्मर सबसे, है कि नहीं? एंड अब जे बताओ मेरो आर्मर कहाँ गयो, किन्ने चुरा हुआ है पता नहीं, अरे मैं खेलता नहीं हूँ सर्वर के अंदर 24/7, तुम ही लोग ऑनलाइन थे, अभी तू था और आयुष था, और पता नहीं ओपी माफिया भी हो सकता है, मैं जब आया शायद ओपी माफिया उससे पहले लेफ्ट हुआ होगा, मेरे को नहीं मालूम मेरा आर्मर कहाँ है, मेरा आर्मर बताओ। अबे तुम मेरे को बताना मेरा आर्मर किधर गया, अपना तो नेदरराइट का बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। आयुष तू बता मेरा कहाँ गया आर्मर, ये तो सोने पे चला गया। आर्मर बता भाई आर्मर, बता दे आर्मर कहाँ है, ये तो मुंह हिला रहा भाई, मेरे को क्या पता, मतलब क्या सीन है भाई, मेरा आर्मर कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, मेरा आर्मर दो। देख भाई अब दो ही लोग हो सकते हैं, शायद तूने लिया हो, अबे तेरी भाई थॉन्स, या फिर इसने लिया हो, इसके पास मैंने तो अभी सिर्फ तेरा देखा था आर्मर, उसने तो तेरे को दे दिया बड़ी आसानी, मेरा आर्मर मेरे को तो इस पे शक हो रहा है कहाँ है आर्मर तेरा, जल्दी बता। ढूंढवा लो, मतलब कोई आइटम है क्या ऐसी कहीं पर रख दे के चल देंगे, चल आर्मर ढूंढवा मेरा, कौन सा काम है साले तेरे को, मेरा आर्मर ढूंढवा भाई, मेरे को नहीं मालूम, कुछ भी हो मेरे को आर्मर चाहिए, ये बनाना है तेरे को अभी, चल चल आ जा ढूंढवा दे मेरे साथ, चल। तो दोस्तों इन सबसे बातचीत करने के बाद सबसे पहले तो मेरे को शक गया ओपी माफिया के पास, तो मैं उसके घर पर गया एंड उसके अंदर जाके मैंने अच्छे से छानबीन कर ली, एंड वो सर्वर के अंदर नहीं था, एंड ओपी माफिया के घर में मैंने हर एक चेस्ट छान मारी, एंड भाई यहाँ पर मेरे को डायमंड वायमंड जो भी चीज़ थी वो मिल गई, लेकिन भाई मेरे को अपना आर्मर नहीं मिला, एंड मेरा भाई दिमाग खराब, मैंने इसको मतलब पूरा हर एक जगह जो है ना उसकी हर एक जगह मैंने छान मारी। एंड दोस्तों दिस इज़ वॉइस ओवर, और दोस्तों जो डीएनए डायनेमो की वॉइस है वो पता नहीं किसी कारण आ नहीं पाई, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एंड यहाँ से दोस्तों मैं अपने सोचा मैंने शायद कासल के अंदर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कासल के अंदर जाते हैं, क्योंकि डीएनए डायनेमो ने मेरे से कहा कि जा कासल के अंदर ढूंढ गया, तो मैं वहाँ यहाँ से ओपी माफिया के घर से डायरेक्ट कासल के साइड में गया। तो अब यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे अंदर तो कुछ है नहीं है यार, ये तो अपना एरिया है सादा सा। फिर दोस्तों कासल के अंदर पहुंचने के बाद मैंने अपनी लिटरली सारी चेस्ट है, इवन मेरा जो सीक्रेट एरिया है मेरा उसमें, वो मैं दिखा नहीं सकता सॉरी वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने वो भी देख लिया कि भाई मैंने वहां पे तो नहीं रख दिया, भाई मेरे को अच्छे से याद है मैंने कहीं पर भी अपना कुछ भी आइटम नहीं रखा था, खासकर यार मैंने तो अपना वहां पर सेफ तरीके से सोचा कि मेरा सेफ होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको धमकीबाजी भी करके देख ली, क्योंकि डीएनए डायनेमो बीच में वीसी ऑफ करके चला गया, एंड यहाँ पर आयुष वीसी पे भी नहीं था, एंड मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था भाई क्या होगा आगे, एंड मेरे को भाई मेरा फुल एन्चांटेड आर्मर था यार, इतनी मुश्किल से एन्चांटमेंट लगाई थी, एंड यहाँ पे उसने लिख दिया आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, भाई मैं पागल हो गया इन लोगों की बात सुन के कि कैसे इन्होंने मने कर दी है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ भी लिख देते हैं ये लोग, यहाँ पे लिखा है वाश, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ लिख कर रखी है,
ये मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया। यहाँ पे मतलब पहले हमारा यहाँ पे रखा हुआ था ये, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये मेरा वाजने ना नूप, क्या क्या लिखते रहते हैं बंदे भाई, कौन सा आर्म कैसा आर्म मेरे को कुछ नहीं पता है। अलग ही सीन है यार। रुको रुको रुको, यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ तो लगी रही है। वैसे मैंने यहाँ पे ये पत्थर तो लगाया था भाई, कोबल स्टोन लगा था, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ करी गई है। यहाँ पे हमारी एक नाली टाइप की थी भाई, ये तो अपना वही सीक्रेट रूम है। अबे ये लेफ्ट क्यों कर, ओ मेरा आर्मर भाई, मेरा आर्मर और डायनेमो लेफ्ट कर गया यार, क्या सीन है। हेलो हेलो, वीसी पे है तू? हेलो भाई, वीसी पे भी नहीं है, मतलब मेरा आर्मर तो मिल गया। अबे यार क्या मतलब, कोई भी चुरा देता है ये होगा ये। अब देखते हैं, अब भाई जिसने भी चुराया होगा ना उसकी खैर नहीं है, मतलब चुरा के रखा भी तो कहां पे बंदे ने। पहले मैं सबसे पहले तो अपने आर्मर को पहनूंगा, फिर देखी जाएगी जो होगी, एंड अपने एंडर चेस्ट के अंदर यूज करूंगा। ओए मेरा वो भी कहां गया, सही है, नेदरराइट पे तो आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इनको अच्छे से बताऊंगा। पहली बात तो ओपी माफिया घर पर ट्रैप बिछाऊंगा, दूसरा अगर इसने चुराया है तो इसको पेल दूंगा, और अगर डायनामो ने चुराया है फिर तो भाई वो तो गया। लेकिन ओ अबे ये भी क्या क्या आइटम लेके बैठा था ये, एमरल्ड वेमरल्ड, मेरे को नहीं मालूम भाई, कमेंट के अंदर बताना अगर किसी को भी मालूम हो कि कौन हो सकता है भाई। देखो ये चार बार पता नहीं क्या क्या कौन चुरा सकता है, जल्दी बताना ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।